ना फाइनल ये बिल्ली आ गई है और ये मेरी गोद में बैठी हुई है। और पता ही ऐसा ही है, मैं मगरिब अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया था, तो ये उस टाइम आ गई थी। तो ऐसा था कि मुझे दिक्कत ना, मियाँ मम्मी यहाँ करे जा रही थी, तो मेरे पीछे पीछे चल के ऊपर आ गई थी। तो अभी यह है कि सुकून से मेरी गोद में बैठी हुई है ये। तो अभी यह है कि इसको अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास आना चाह रही थी। तो जख्मी भी है काफ़ी, यह कि पायोडीन वगैरह लगाएंगे इसके, और इंशाल्लाह इसको देखते हैं सुबह तक हमारे पास होती है नहीं होती फिर से, वरना इसके लिए फिर खाना वगैरह इसका डालेंगे। दूध पीजिए, दूध भी डाल देंगे भाई, पानी डालते पानी भी डाल देंगे। पियोगी ना भाई पानी? हैं, पी लेना। चलो हाँ जी, ये चलो बैठी रहो बस। तो अभी इसको ऊपर, इसको वापसी बॉक्स में डालते हैं, बॉक्स में इसको सुलाते हैं और देखते हैं सुबह तक हमारे पास होती है नहीं होती। तो अभी देखते हैं फिर इसको ना, यहाँ से ज़ख्मी भी किया हुआ है, खून वगैरह ब्लीड बुरा ब्लड वगैरह निकल रहा है इसका खून। चलो उठो ऊपर, चलो तुम्हें मैं ऊपर लेकर चलूँ, आ जाओ ऊपर, तुम सकून से लेट गया ना। चलो तो आओ, आ जाओ आ जाओ। इसको हाथ में पकड़ते हैं फिर लेके इसको ऊपर चलते हैं, आ जाओ। चलो हाँ, चलो 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 बिस्मिल्लाह, आओ चलो यहाँ पर बैठना है भाई, तुमने यहीं पर ही बैठना है ये बताओ। हाँ चलो, हाँ जल्दी आओ। नहीं भाई ये ना अंदर जाने की नहीं कर रही, वहाँ पर लेटने की नहीं कर रही है, तो इसको यहीं पर ही रखते हैं, यहीं पर ही सो जाओ। सही है, मैं सुबह के आपको खाना वगैरह दूंगा, अभी तो आपने खाना वाना खा लिया है ना, मैं आपको सुबह के दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय। इसकी यहाँ से पूरी टांग वगैरह ज़ख्मी हुई हुई है, ये आपको दिख रही होगी, और यहाँ से भी दिखाता हूँ, ये देखें बड़ी टांग कितनी ज़ख्मी हुई हुई है इसकी। बस चलो लेट जाओ लेट जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। रसों में भी ऐसा है कि ये देखें ना, बिल्ली ही नहीं है, बिल्ली छत पे नहीं है, और अभी कल इसको वापसी आ गई थी मेरे पास, लेकिन अब वापसी है ही नहीं। अभी मैंने यहाँ पर देखा था, ये देखें यहाँ पर भी नहीं, अंदर यहाँ कहीं भी देख लेता हूँ, यहाँ पे भी नहीं दिख रही मुझे। तो फाइनली वो चली गई है, आ जाएगी रात में खाना वगैरह खाने, अगर उसको खाना खाना होगा तो चले आइए ऊपर, चलते हैं ऊपर अपने चूज़ों को भी देख। अभी जो है ना इनको मैंने खोल दिया है, यहाँ पर आगे जमकट्टा बना लिया, हालांकि इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह बत्तखें कि पहले छलांगे नहीं मार सकती थी, अब पिंजरे के अंदर खुद जाती, मुझे पहले डालना पड़ता था ना हाथ से, अब ऐसा नहीं है, अब ये खुद चली आती है पिंजरे के अंदर माशाल्लाह से, बाकी खेल कूद कर रही हैं अपना। खैर तो अभी देखते हैं क्या सूरत हाल है क्या नहीं है, और मुझे बिल्ली के जाने का बड़ा अफसोस है। चले आ जाएगी, अगर रात में फिर आना चाहे तो आ जाएगी, वो रात के टाइम ना बस सोने आती है, खाना वगैरह अपना बाहर से खाती है, अपने दोस्तों के साथ रहती है वो, लेकिन है बहुत प्यारी सी बिल्ली। बाकी मैंने कबूतरों को खाने इस वजह से अंदर डाल दिया क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है, मैंने इनको थोड़ी देर खोला, कबूतरों का तो पानी अंदर होता ही है, कबूतरों का पानी माशाल्लाह, बाकी लोग खा रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, इनको बंद रहने देते। और एक्चुअली मैंने इनको इस वजह से बंद किया क्योंकि मुझे आज जाना है, कज़न का मोबाइल लेने, सुहेब भाई का मोबाइल ख़राब हो गया, बाकी अब लेट हो गए ना तो मसला हो जाएगा अफ्तार की वजह से, क्योंकि फिर अफ्तार का टाइम हो जाएगा तो हमें बाहर खोलनी पड़ेगी, और घर में खोलने का मज़ा ही अलग होता है। ऐसा है कि इन्होंने पानी वगैरह भी पी लिया, और ये भी ऊपर ही है, इनको जल्दी जल्दी बंद करते हैं, और आप लोगों से भी मिलता हूँ मैं कल। आज क्योंकि छोटा सा व्लॉग होगा क्योंकि आज क्योंकि मुझे जाना है, तो उम्मीद करता हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा, और बर्ड लाइफ एडवेंचर्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।